और इस बीच कवर्धा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई है। बस में सवार 20 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पौड़ी पंडरिया नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कवर्धा से लखनऊ की ओर यह बस जा रही थी। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी कवर्धा से। पौड़ी पंडरिया नेशनल हाईवे पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। करीब 20 यात्री इसमें घायल अवस्था में है। एक बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसे कि मनीष से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मनीष, क्या जानकारी साथ से पर फिलहाल? हाँ बिल्कुल अनिका, जिस तरह से ये यात्री बस है जो कवर्धा से लखनऊ जा रही थी, इसमें 20 यात्री सवार होने की जानकारी जो मिल पाई है, जिनमें से सभी की चोट आई। इसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये मार्ग अभी जो है बन रहा है, निर्माणाधीन मार्ग ही है, जिसमें लगातार लापरवाही की बातें सामने आई थी। ठेकेदार के द्वारा जो है बेतरतीब तरीके से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कहीं से भी रोड बनाने की शुरुआत की जाती है और उसके बाद न ही उसमें कोई संकेत लगाया जा रहा है, न ही किसी तरह से कोई अवरोध लगाया जा रहा है, जिसके कारण से जो गाड़ियां हैं वो आधे अधूरे रास्ते में फंस जा रही है। दुर्घटना का शिकार हो रही है। कार सवारों के बीच आपस में लड़ाई की भी घटना सामने आई है। इसके बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और न ही ठेकेदार की तरह इसमें कोई गलती में सुधार किया जा रहा है, जिसके चलते आज किसका खामियाजा भुगतने को मिला है, जिसमें एक यात्री बस जो है पलट गए, जिसमें 20 लोग सवार थे, उनके एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में जो है उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी की हालत सामान्य बताई जा रही है। अंशिका, मनीष जी, जो रास्ता आप जिस बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, क्या प्रशासन को इस बारे में पता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं इस रास्ते पर हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि सड़क का निर्माण जो है 2 महीने पहले ही प्रारंभ हुआ है। इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसका उन्नयन हुआ है। पहले स्टेट हाईवे सड़क थी, उसके बाद इसका 350 करोड़ रुपए की लागत से जो नवनिर्माण हो रहा है और NHC के रूप में इसका उन्नयन हुआ है। कुल 70 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो बताई जा रही है, जिसमें से अभी केवल 35 किलोमीटर के एरिया में ही निर्माण का जो काम है वो शुरू हुआ है। और इस दौरान जो है काफी खामियां जो है शुरुआत से देखने को मिल रही है। हल्की बारिश के बाद रास्ते में पूरा कीचड़ हो जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बार बार जो सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई, इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका जो नतीजा है वो आज सामने आया है। और इस तरह के परिणाम जो है आए दिन इस तरह से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश काफी कम नजर आ रही है और प्रशासन भी इसमें कोई जिम्मेदारी निभाने में सफल नहीं है। जयवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मनीष जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, पौड़ी पंडरिया नेशनल हाईवे, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि अनियमितताएं हैं इस सड़क पर, इस नेशनल हाईवे पर, निर्माणाधीन है अभी भी, संकेत नहीं लगाए गए हैं, डायवर्जन के सिग्नल्स नहीं दिए गए हैं और इसी वजह से अक्सर कई वाहन इस नेशनल हाईवे पर दुर्घटना का शिकार होते हैं। उसी के तहत एक और दुर्घटना जिसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अनियंत्रित होकर ये यात्री बस पलट गई, 20 लोग घायल हैं, एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया। घटना स्थल की तस्वीरें भी आप देखिए, आसपास जितने भी ग्रामीण मौजूद थे फौरन मदद करने के लिए आगे आए और यात्रियों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल के लिए भिजवाया है। तस्वीरें घटनास्थल की, और बड़ी लापरवाही ठेकेदार की तरफ से भी जिसका खुलासा हुआ है। कोरबा के कनकी मार्ग गांव में प्यास लगने पर युवक ने फ्रिज खोला तो उसके होश उड़ गए। फ्रिज के नीचे एक खतरनाक कोबरा बैठा दिखा, गुस्से से फुफकार रहा था कोबरा। तस्वीरें आप देखिए, फुफकार सुनकर घर वाले भी दहशत में आ गए। आनन फान में सभी घर से निकल गए। स्नेक प्रेस की टीम को उसकी जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर टीम पहुंची, नागराज का रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। नागराज के घर से निकलने पर ही लोगों ने राहत की सांस ली। कोरबा के घर की तस्वीरें, बताया जा रहा है कि फ्रिज के नीचे छुपा बैठा था कोबरा। फौरन स्नेक रेस्क्यू पहुंची, रेस्क्यू से जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। अंबिकापुर से सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, 120 लोगों को दिया गया वन अधिकार पट्टा, 100 युवाओं को शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र चावल ले या ना ले, हम धान खरीदी बंद नहीं करेंगे, झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश करे बीजेपी। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण। धर्मांतरण को लेकर आदिवासी और अन्य समाज में आक्रोश। धर्मांतरण पर अरुण साव के बयान पर मंत्री कवासी लखमा का पलटवार, बीजेपी नेताओं को सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ में दिखता है धर्मांतरण।
कवर्धा में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, हादसे में 20 लोग घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर। कवर्धा से लखनऊ जा रही थी बस। बीजेपी ने शुरू की टिफिन पॉलिटिक्स, लंच लेकर कार्यकर्ताओं के पास जा रहे नेता। बीजेपी के टिफिन पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा कार्यकर्ताओं के अंधे की सियाही ऐसी नौबत। दो दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, कहा बीजेपी से डरकर कांग्रेस करा रही संभागीय सम्मेलन। राजभवन पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सीजीपीएससी 2021 की भर्ती परीक्षा में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, राज्यपाल से मिलकर रिजल्ट की सीबीआई से जांच कराने की मांग। राजनांदगांव दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओमाथुर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे टिफिन बैठक, ओमाथुर के साथ अरुण साव और अमन सिंह मौजूद। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, चिरमिरी नगर निगम का घेराव, महापौर निगम प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। धमतरी में पटवारियों की हड़ताल जारी, एक महीने से चल रही पटवारियों की हड़ताल, राजस्व निरीक्षकों का भी मिला समर्थन। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, तहसीलदार ने कब्जाधारियों को जारी किया नोटिस, नोटिस मिलते ही पुल के नीचे से हटाया जा रहा अतिक्रमण। चुनावी साल में धान पर सियासी घमासान, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धान खरीदी पर बीजेपी बोल रही है झूठ। कोरबा में फ्रिज में निकला सांप, सांप को देखकर घरवालों के उड़े होश, सूचना पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।